लोकसभा चुनाव के रंग में तमाम सियासतदान रंगे हुए हैं, बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है और इसी के साथ वोटर्स तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिशें भी जारी है। खैर, चुनाव की तैयारियों के बीच हम आपके लिए हर एक सीट का पूरा लेखा जोखा बताने वाले हैं, वो भी 5 मिनट के भीतर। तो आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद लोकसभा सीट के बारे में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर की हमेशा से खास पहचान रही है और राष्ट्रीय राजधानी के करीब होने के नाते ये प्रदेश की वीआईपी सीटों में शुमार की जाती है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से गाजियाबाद सीट भी अहम सीट है। साल 2008 में परिसीमन के बाद हापुड़ संसदीय सीट का ज्यादातर हिस्सा मेरठ संसदीय क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया, जबकि लोनी विधानसभा क्षेत्र को शामिल करते हुए गाजियाबाद लोकसभा सीट के नाम से नई सीट बना दी गई। इस वक्त गाजियाबाद में मुख्य रूप से 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदीनगर, और आंशिक रूप से धौलाना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा आता है। कभी यहां पर राजनाथ सिंह भी सांसद रहे हैं। इस समय गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। गाजियाबाद बेशक दिल्ली के नजदीक है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में यहां महिलाओं की भागीदारी अब भी कम है। यही कारण है कि लोकसभा क्षेत्र के लिए टिकट मांगने वाले अधिकांश पार्टियों में महिला दावेदारों की संख्या कम ही रहती है। अगर यहाँ के चुनावी नतीजों की बात करें तो इस सीट पर साल 2009 में पहली बार चुनाव हुए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह को इस सीट से जीत मिली थी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। वहीं 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार को बदला। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वीके सिंह को इस सीट पर उतारा और वीके सिंह को जीत भी मिली। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा वीके सिंह को मौका दिया गया और एक बार फिर से जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और इस सीट पर वीके सिंह को जीत दिलाई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद संसदीय सीट पर 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के सांसद और उम्मीदवार वीके सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश बंसल के बीच था। चुनाव में सपा और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन था। हालांकि गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा पाया और मुकाबला एक तरफा रहा। वीके सिंह को 9,44,503 वोट मिले तो सुरेश बंसल को 4,43,003 वोट मिले। आसान मुकाबले में वीके सिंह ने 5,01,500 मतों के अंतर से जीत हासिल की। हालांकि इस बार वीके सिंह का टिकट काट दिया गया है। अगर यहां के वोटर्स की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल वोटरों की संख्या 15,24,456 थी, जिनमें से कुल पुरुष मतदाता 8,54,916 थे और महिला मतदाता 6,66,970 थी। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत 55.86% था। धर्म के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर 72% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 25% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पर चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की अपनी अहमियत रही है, लेकिन देखना होगा कि पिछले 2 बार से 5-5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले वीके सिंह की जगह इस बार अतुल गर्ग इस सीट से क्या कमाल दिखाते हैं। इस बार बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा सांसद वीके सिंह का टिकट काट दिया है। इस सीट से बीजेपी ने अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर डॉली शर्मा उम्मीदवार बनाई गई है। गाजियाबाद से बसपा ने अपने प्रत्याशी अंशय कालरा का टिकट काटकर ठाकुर नंद किशोर पुंदीर को दे दिया है। तो इस सीट पर भी मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है और इसी के साथ अब बीजेपी अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रही है, तो वहीं कांग्रेस आरोप भी लगा रही है। खैर, देखते हैं कि 4 जून 2024 की तारीख आखिर किसके लिए खुशखबरी लेकर आती है।